सहारनपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, ट्रेन के कई शीशों में आई दरार, खंगाले जा रहे सीसीटीवी कैमरे, होगी जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी बैम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। जी हां, आनंद विहार से देहरादून जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है, जिससे ट्रेन के कई शीशों में दरार आई तो वहीं यात्रियों में दहशत रही। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून स्टेशन से आनंद विहार तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया था। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सहारनपुर पहुंचे थे। ट्रेन को देखने के लिए कई हजारों की संख्या में लोगों ने पहले दिन फ्री में यात्रा भी की थी। वहीं ट्रेन के शुभारंभ के बाद से ट्रेन का नियमित रूप से संचालन हो रहा है। सोमवार देर रात कल शाम आनंद विहार से वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून जा रही थी। सहारनपुर पहुंचने से पहले असामाजिक तत्वों ने टपरी और सहारनपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव कर दिया। इससे यात्रियों में दहशत फैल गई। हालांकि इस दौरान किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। घटना के दौरान ट्रेन को कुछ देर के लिए रोका गया। ट्रेन के एक चेयर कार कोच के शीशे कई जगह से क्षतिग्रस्त हुए। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों में खलबली मच गई। रेलवे अधिकारी व रेलवे सुरक्षा बल के अफसर मौके पर पहुंचे और ट्रेन को कड़ी सुरक्षा के बीच सहारनपुर तक ला गया। यहां से ट्रेन को देहरादून के लिए रवाना किया गया। उधर आरपीएफ इंस्पेक्टर मोहित त्यागी का कहना है कि सोमवार देर रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की। अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि सही से घटना की जांच की जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ।